नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं आसिम रियाज के बारे में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है, आसिम रियाज एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके बाद से उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाती है। जी हाँ दर्शकों, आसिम रियाज एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आने के बाद उन्हें बिग बॉस जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि उनके घर घर में चाहने वाले हो जाते हैं। दर्शकों, आइए हम जानेंगे उनकी लाइफस्टाइल में इतना बदलाव कैसे आया और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी क्या है और उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देश का असली सच और टैलेंट आपको इधर ही मिलेगा। इसलिए अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं आसिम रियाज के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। आसिम रियाज एक भारतीय मॉडल और एक्टर हैं। वे बिग बॉस 13 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, बहुत से लोगों का तो मानना ये भी है कि आसिम रियाज ही बिग बॉस 13 के असली विनर थे, लेकिन बिग बॉस 6 होने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को जिता दिया गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। आपको बता दूं, आसिम रियाज का जन्म 23 जुलाई 1993 को जम्मू में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है और वे अब मुंबई में रह रहे हैं। 2019 में आए बिग बॉस 13 के शो में इन्होंने भाग लिया था। आपको बता दूं, ये ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बिग बॉस 13 से की थी, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी कम थी और कंटेस्टेंट के बराबर थे। सबसे कम लोकप्रियता वाले शख्स थे ये बिग बॉस 13 में। साथ ही आपको बता दूं, लेकिन इन्होंने इतनी लोकप्रियता कमाई इस शो से कि घर घर में इनके चाहने वाले बन गए। बिग बॉस 13 के शो में एक और किस्सा हुआ था, इन्होंने हिमांशी खुराना को प्रपोज भी किया था। और आपको बता दूं, बिग बॉस हाउस में आने से पहले आसिम रियाज विज्ञापनों में काम करते थे, जैसे कि आपने देखे होंगे छोटे छोटे एड्स आते हैं टीवी पर, उन पर काम करते थे। जाहिर सी बात है, कोई छोटा, हालांकि ये छोटी बात नहीं है कि एक छोटे छोटे एडों से आने के बाद उन्होंने बिग बॉस 13 में अपनी जगह बनाई, जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें अब कई और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि उनकी हाल ही में आई जैकलिन के साथ एक एल्बम में उन्होंने काम किया था, जिसका नाम था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है 2.0। ऐसे उन्होंने कई एल्बमों में काम किया है, जिसके बाद से उन्हें काम मिलता ही जा रहा है और उनकी लोकप्रियता और बढ़ती ही जा रही है। आसिम रियाज अपनी बॉडी बिल्डिंग और गुड लुक्स की वजह से जाने जाते हैं। वह भारतीय देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं। वह लड़का हो या लड़की, सबके लोकप्रिय हैं। आपको बता दूं, आसिम रियाज को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक रहा है। इसके चलते उन्होंने विदेश में अपनी मॉडलिंग का प्रदर्शन भी दिखाया है। जम्मू में रहने वाले आसिम रियाज ने अपनी मॉडलिंग की तैयारी काफी समय पहले ही कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर मॉडलिंग की तैयारी भी करी। आपको बता दूं, आसिम रियाज ने अपने करियर में बहुत मेहनत की है। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के बाद, कई छोटे छोटे एडों के बाद, कई मॉडलिंग शोज के बाद उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और उनका इतना बड़ा नाम हुआ है। दर्शकों, ये थी स्टोरी आसिम रियाज की। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को प्लीज दर्शकों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।